फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि एबल टू क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम एबल टू का कैसे यूज करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। बहुत दिलचस्प टॉपिक है और डेली लाइफ से जुड़ा हुआ। तो आइए फ्रेंड्स देखें कि एबल टू क्या है। फ्रेंड्स, एबल टू मीन्स पा रहा हूँ या पाता हूँ या योग्य हूँ या लायक हूँ। और कमाल की बात यह है फ्रेंड्स कि एबल टू मीन्स सका भी होता है। यानी कहने का मतलब है फ्रेंड्स, आमतौर पर लोग जानते हैं कि अगर आपको ऐसे सेंटेंस मिले जैसे मैं आ सका, मैं जा सका, मैं खा सका, मैं पढ़ा सका, तो वो समझते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को कुड के मदद से ट्रांसलेट करना है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप सरासर गलत सोचते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस जिसके लास्ट में आता है सका, आप उसे कुड से ट्रांसलेट नहीं कर सकते, आप उसे एबल टू के मदद से ट्रांसलेट करेंगे। अब सवाल है क्यों? आप सोचेंगे कुड मीन सका होता है, तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि कुड मीन सका नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर ये आपकी गलत फहमी है। फ्रेंड्स, कुड के टॉपिक पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जहाँ मैंने बताया है कि कुड का सही यूज क्या है, और वहाँ पर मैंने प्रूफ भी दिखाया है कि अगर आपको मेरे बात पर यकीन नहीं तो आप खुद प्रूफ पढ़ें और आप जान सकें कि कुड का सही यूज क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी लगता है कि कुड मीन सका होता है और इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कुड से होगा, तो फिर आप उस वीडियो को जरूर देखें और अपनी कंफ्यूजन को खत्म करें। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में एबल टू के बारे में सीखते हैं। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो मैं अंग्रेजी बोल सका तो आप लिखेंगे आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। चूंकि ये बात गुजरा हुआ है इसलिए आप वॉज का यूज करेंगे। अगर आपके सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो आप इजारम के साथ एबल टू का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इस बात को एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझें। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो मैं अंग्रेजी बोल पा रहा हूँ तो आप कहेंगे आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। अगर लिखा हो मैं अंग्रेजी बोल पाता हूँ तो भी आप कहेंगे आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। अगर लिखा हो मैं अंग्रेजी बोलने के लायक हूँ तो भी आप कहेंगे आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। अगर लिखा हो मैं अंग्रेजी बोलने के काबिल हूँ तो आप कहेंगे आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। यानी इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ आप लास्ट में कहते हैं पाता हूँ, पा रहा हूँ, योग्य हूँ, लायक हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप एबल टू का यूज करेंगे। मैं क्रिकेट खेल पा रहा हूँ या मैं क्रिकेट खेल पाता हूँ या मैं क्रिकेट खेलने के लायक हूँ या मैं क्रिकेट खेलने के योग्य हूँ, आप कहेंगे आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मैं खाना पका लेता हूँ या मैं खाना पका पाता हूँ या मैं खाना पकाने के योग्य हूँ, आप कहेंगे आई एम एबल टू कुक फूड। बाय द वे, अगर आपके सेंटेंसेस नेगेटिव हो यानी नकारात्मक हो तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को ऐसे बोलेंगे। जैसे अगर आपको कहना हो मैं कार नहीं चला पा रहा हूँ तो आप कहेंगे आई एम नॉट एबल टू ड्राइव अ कार। या फिर आप ये कह सकते हैं आई एम अनएबल टू ड्राइव अ कार। तो या तो आप नॉट एबल बोलें या फिर आप अनएबल बोलें, यानी इन दोनों में से कोई आप एक बोल सकते हैं। मैं एक लैपटॉप यूज नहीं कर पा रहा हूँ तो आप कहेंगे आई एम नॉट एबल टू यूज अ लैपटॉप। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मैं एक बुलेट चलाने के काबिल नहीं हूँ तो आप कहेंगे आई एम नॉट एबल टू राइड अ बुलेट। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मैं एक पतंग उड़ा पाता हूँ या मैं एक पतंग उड़ा पा रहा हूँ या मैं एक पतंग उड़ाने के लायक हूँ या योग्य हूँ, आप कहेंगे आई एम एबल टू फ्लाई अ काइट। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि मैं एक पतंग नहीं उड़ा पा रहा हूँ या मैं एक पतंग उड़ाने के योग्य नहीं हूँ, आई एम नॉट एबल टू फ्लाई अ काइट, आप ये भी कह सकते हैं आई एम अनएबल टू फ्लाई अ काइट। फ्रेंड्स, अगर इस तरह के सेंटेंसेस अगर आपको पास्ट में बोलना हो जैसे मैं पैसा नहीं कमा पा रहा था तो आप कहेंगे आई वॉज नॉट एबल टू अर्न मनी। मैं इंग्लिश नहीं लिख पा रहा था, आप कहेंगे आई वॉज नॉट एबल टू राइट इंग्लिश। अगर आपको कहना हो मैं अपनी मदद नहीं कर पा रहा था या मैं अपनी मदद करने के योग्य नहीं था या मैं अपनी मदद करने के लायक नहीं था, आप कहेंगे आई वॉज नॉट एबल टू हेल्प माई सेल्फ। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह कंसेप्ट आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि जब आपको कहना हो कि आप किसी काम को करने के लिए काबिल हैं, लायक हैं,
योग्य हैं या कर पा रहे हैं या कर पाते हैं, तो आप इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए एबल टू का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई इस टॉपिक को आप शानदार तरीके से समझे तो क्या आप इस टॉपिक पर 3 sentences कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं? 3 sentences आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही लिखा या गलत। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।